समाजवादी पार्टी छात्र सभा द्वारा भारत माता की मूर्ति के पास बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा द्वारा स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा मरे मुलायम काशी राम जोर से बोलो जय श्री राम नारे के विरोध में दीवानी चौराहे पर स्थित भारत माता की मूर्ति के पास बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। वहीं सपा छात्र सभा के नेता अमित यादव ने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य बीजेपी के एजेंट हैं, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे, वह एक कथावाचक हैं, वह राजनीतिक बातें ना करें। वहीं सपा छात्र सभा द्वारा यज्ञ कर ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि प्रभु ईश्वर स्वामी रामभद्राचार्य को बुद्धि दे। आगरा में जो रामभद्राचार्य जी का जो भागवत कार्यक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक मोड़ देने का एक विचार आया है भारतीय जनता पार्टी को। जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नेताजी को पद्म विभूषण से सम्मानित कर रही है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट रामभद्राचार्य जी जो भागवत जैसे पवित्र मंदिर में और माननीय नेताजी के बारे में जो शब्द कहे हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव व काशी राम जी मरे मुलायम सिंह काशी राम और जोर से बोलो जय श्री राम, तो ये कहीं ना कहीं ये जो अभद्र जो कमेंट किए जा रहे हैं, एक साधु संत जिन्हें महात्मा मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अगर वो ही ये सब चीजें करेगा तो क्या होगा, क्या हमें सीख देना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं माननीय नेताजी का अपमान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेताजी को पद्म विभूषण देने का काम कर रही है और दूसरी तरफ ये अपमान देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रपोंडा है कि कहीं ना कहीं पिछड़ों दलितों को अपमानित करने का काम जो शुरू से करती आ रही है वो फिर से काम किया है। दलितों पिछड़ों का जो शोषण किया है वो फिर से इस तरीके से बोल बोल के शोषण कर रहे हैं। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स ऑर्गेन्जा चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।